हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये श्रग जो कि मैंने लेगिंग की हेल्प से क्रिएट की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक लेगिंग लेनी है। सो मेक श्योर आपको बड़े साइज़ की लेगिंग लेनी है। सबसे पहले मैं इसको अपर एरिया से इलास्टिक को रिमूव कर देना है। सो यहाँ मैंने इलास्टिक को रिमूव कर दिया है। इलास्टिक रिमूव करने के बाद मैं इसे क्रॉस एरिया से कट कर लूँगी। सो फैब्रिक को भी इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर के लिए भी 6 इंच पे मार्क करना है। और हम आर्म होल की लेंथ 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया। और इस तरह से मैं इसको कर्व शेप देना है। आर्म होल में 1 इंच का ही शेप देना है। आर्म होल को कट कर लूंगी। आर्म होल को कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक अटैच है साइड से, हम उसको ओपन कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। दोनों साइड रेडी है। अब हमारे फ्रंट नेक की कट करेंगे। फ्रंट नेक पे मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसकी लेंथ भी मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हमें नेक को हमें हल्का सा वी शेप देना है। हाँ, मैं नेक की कटिंग कर दूंगी। फ्रंट पार्ट को मिडिल सेक्शन से कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसको मिडिल सेक्शन से कट कर लिया है। अब हमारा बैक पार्ट है, इस पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैं इस तरह से फोल्ड करना है। डबल साइड है, वहाँ पे मैंने नेक की मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। इसकी लेंथ मैंने 1 इंच पे मार्क की है। इसकी कटिंग कर लेनी है। सो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ध्यान देना है जो हमारा फ्रंट पार्ट है, मैंने इसके शोल्डर को अटैच करना है। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। सो हमारा जो लेग्स का पार्ट था वहाँ से मैंने यहाँ पे स्लीव्स निकाल ली हूँ। तो इसकी मैंने टोटल लेंथ 15 इंच पे मार्क की है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। जी आप देख सकते हैं जो नीचे का लेग्स का पार्ट है, मैंने वहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग की। यहाँ पे मुझे 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमें इस पे बॉटम तक कर्व शेप दे देना है। इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स कट हो गई हैं। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है स्लीव्स का, उसमें हम हल्का 1/2 इंच का शेप दे देंगे। ये दोनों स्लीव्स में फ्रंट साइड पे 1/2 इंच का शेप देना है। तो हमारे पास अब एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है। उस फैब्रिक से हम इसके लिए स्ट्रिप्स कट करेंगे। फिर मैं 4 इंच की स्ट्रिप्स कट करनी है। इसी तरह मैं 3
स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये हमारे शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें शोल्डर को अटैच करना है। मैं शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब शोल्डर को अटैच करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमें उसको इस तरह से रखना है। हमारा नेक एरिया है वहां से हमें मेजर करना है। 10 इंचेस पे हमें मार्किंग करनी है और 10 इंचेस पे जहाँ भी मार्किंग की है उसी मार्किंग से हमें कॉर्नर तक कर्व शेप दे देना है। तो यहाँ मैंने कर्व शेप दे दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आपको ध्यान देना है ये कटिंग सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में ही करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे श्रग का लुक किस इस तरह से आया है। हमने जो स्ट्रिप्स रेडी की हैं सारे स्ट्रिप्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 19 इंचेस की 3 स्ट्रिप्स को कट किया है जिसको हम हमारे श्रग के अराउंड अटैच करेंगे। तो स्ट्रिप को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे ध्यान देना हमारी श्रग है वो हमने सीधा किया हुआ, हमें फैब्रिक को उल्टा नहीं करना है। तो हमने सीधी साइड से इस तरह से हमें स्ट्रिप्स को रखना है। हमें ध्यान देना स्ट्रिप का जो सीधा पार्ट है वो हमें अंदर की साइड रखना है और उल्टा साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से हम सभी कॉर्नर्स पे हमारी स्ट्रिप्स को अटैच कर लेंगे। इस स्ट्रिप्स को हमें नेक एरिया, बॉटम, कॉर्नर सभी जगह अटैच करना है। इसलिए मैंने इसकी लेंथ 57 इंचेस ली है। मैंने इसको वन साइड से अटैच करना स्टार्ट किया है। तो हमारा जो फ्रंट नेक है, बैक नेक है और जो हमारा बॉटम एरिया हमें उसमें भी अटैच कर लेना है इसको। स्ट्रिप को आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, हमें इसके हल्के हैंड से इसको अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने स्ट्रिप को लगाया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो हमारा लेगिंग का फैब्रिक काफ़ी स्ट्रेचबल रहता है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक मशीन में हमारे स्टिचिंग का प्रेशर मैंने 2 पॉइंट पे किया है और अगर आपकी नॉर्मल मशीन है तो आप इसको न्यूज़पेपर पे रख के स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने बॉटम एरिया, नेक एरिया सभी जगह स्ट्रिप को अटैच किया है। इसके साइड कॉर्नर्स को सिलेंगे। तो कॉर्नर सिलने से पहले हमें आर्म होल को इस तरह से मार्क कर लेना है जिससे हमें स्लीव्स अटैच करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। स्लीव्स को रख के जरा मार्किंग कर लेनी है और साइड की फिटिंग दे देनी है। तो मैं यहाँ इस तरह स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने श्रग को भी सीधा रखा है और जो हमारी स्लीव है उसको भी सीधा रखा है। इस तरह से हमें इसको इसके अंदर अटैच करना है। सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे ध्यान देना इस तरह के फैब्रिक के लिए हमें मशीन के प्रेशर को बहुत कम करना है। तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट पे सिलेक्ट किया हुआ है।
मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए। अब देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। शो हमारी श्रग कितनी प्रिटी लग रही है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर की लेगिंग से अपने लिए श्रग बना सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरी वीडियो सबसे पहले